नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं बड़ी खबर की। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आतंकी हमला, 60 से ज्यादा कैडेट्स की मौत। पाकिस्तान के अशांत क्वेटा शहर में एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पर सोमवार रात हुए आतंकवादी हमले में 60 से अधिक कैडेट्स की मौत हो गई और 118 अन्य घायल हो गए। ये पाकिस्तान में इस साल हुए सर्वाधिक भीषण हमलों में से एक है। आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी में सरयाब रोड पर स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पर बीती रात करीब 11:10 पर हमला किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर अकादमी से सैकड़ों कैडेट्स को बचाया। गृह मंत्रालय ने कहा कि हमले के 20 मिनट बाद ही पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया और 5 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सभी तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ सुबह 4 बजे खत्म हुई। एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि हमले में 60 से अधिक पुलिस कैडेट्स की मौत हो गई और करीब 115 लोग घायल हो गए। इससे पहले बलूचिस्तान प्रांत के गृह मंत्री सरफराज बुख्ती ने बताया कि 3 आतंकवादियों ने हमला किया था, जबकि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने हमले में 5 से 6 आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका जताई थी। बुख्ती ने बताया कि घायलों में ज्यादातर पुलिस कैडेट और सुरक्षा कर्मी हैं। उन्हें क्वेटा में सैन्य अस्पताल, सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्रंटियर कोर के महानिरीक्षक मेजर जनरल शेर अफगान ने बताया कि घिर जाने के बाद 2 आतंकवादियों ने खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया, जबकि 1 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में मारा गया। 3 आतंकवादियों ने आत्मघाती जैकेट पहनी हुई थी। अफगान के अनुसार समझा जाता है कि 3 आतंकवादी पाकिस्तानी तालिबान के साथ संबद्ध आतंकवादी संगठन लश्करे झांगवी के अल अलीमी धड़े से थे। और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में मसूद अजहर समेत 5100 आतंकवादियों के बैंक खातों पर रोक। लक्ष्यभेदी हमले के बाद लोगों ने मनाई थी छोटी दिवाली, मोदी। अगर चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाता है तो भारत के पास उसका जवाब, रेणुका चौधरी। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान सीमा पर भूकंप के झटके। सीमा विवाद पर चीन ने दी अमेरिका को चेतावनी।